सो यू गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम MS Excel के कुछ ऐसे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला है जिसकी मदद से आपका काम बहुत ही आसानी हो सकता है। तो एक छोटे से इंट्री के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको मालूम होगा इधर जो मतलब हमें नंबर जो काउंटिंग नंबर जो लाइन वाइज डालना पड़ता है सिंगल नंबर 1 2 3 ऐसे करके जो हम ऐसे मतलब जल्दी के लिए हम ऐसे दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं या फिर 1 लिखकर हम कंट्रोल प्रेस करके जो है हम इधर से नीचे मतलब ड्रैग कर देते हैं तो ऐसे होता है। लेकिन गाइस मतलब इसमें भी हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर जो आपको कोई बोलेगा कि 2 सेकंड के अंदर ही आप 1 से लेकर 100 तक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो मतलब फार्मूला का यूज़ करके आप कैसे मतलब शॉर्टकट की के यूज़ करके तुरंत ही आप कैसे 1 से लेकर 1000 जितने तक आप चाहे उतने तक तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं वो बताने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये बैक हो जा रहे हैं, हम दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ऐसे हम 1 टाइप कर लिया, उसके बाद हमें कीबोर्ड के अंदर जो क्या है जी 1 टाइप करके Alt+ES को जिस प्रेस करना है, जैसे ही प्रेस करना है आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। आपको रॉ में चाहिए तो रॉ में, कॉलम में चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितने चाहिए वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमें 100 तक चाहिए तो 100 सेलेक्ट करके इंटर कर दे। इंटर करने चाहिए जो है हमें 100 तक का पूरा जो मिल गया। तो गाइस अब हम आपको बताने वाले ये जो शीट है आपको आपने ये बनाया है, तो यदि आप मतलब आपको कोई कहे कि ये जो वीक है वीक को हमें इधर रखना है और ये जो मंथ है इधर वो सभी को इधर रखना है, तो आपको जो है फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब इस डाटा को करेक्शन करके फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन आप मतलब कुछ शॉर्टकट की मदद से तुरंत ही कैसे बना सकते हो वो बताने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम कंट्रोल ए से कलेक्ट करके ऑल्ट सेलेक्ट कर लें, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पूरा हो रहा है, तो मैं इधर से इधर कंट्रोल ए करके पूरा इधर सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से हमें जो है इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद दूसरे शीट में जाके हमें Alt+HVT प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो मंथ की जगह है उधर वीक आ चुका है और वीक की जगह है वो उधर मंथ आ चुका है। तो इससे मदद से आप अपने काफ़ी समय बचा सकते हैं। तो गाइस यदि आपको कोई भी डाटा को मतलब एक शीट से दूसरे शीट में कॉपी करके ले जाना है तो उसके लिए आप सिंपली ऐसे कॉपी करते हैं, मतलब ये जो है पूरे डाटा को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे और आप जो आपकी तरीका बता कंट्रोल भी करके हम ऐसे पेस्ट कर दें। लेकिन ऐसे पेस्ट करने में हमें जो है बहुत समय लग जाते। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर जो कीबोर्ड जो लिखा आ रहा है उधर साइड में जो कॉर्नर है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक कर दे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आप जितने भी डाटा भी कॉपी करना चाहते हैं एक साथ कर ले, जैसे कि मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें इसे कॉपी करना चाहता हूँ इसे भी कॉपी कर लिया। तो जिस जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उसे कॉपी कर लिया, जैसे कि इसे भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ इसे भी कॉपी कर लिया। तो इस तरह से मैंने जितना भी चाहे वो सभी जो है मैंने कॉपी कर लिया। अब इसे जो है मैं दूसरे सेल में जाएंगे ऐसे जाएंगे और इधर सेल नंबर में जाके हम पेस्ट ऑल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो जितना भी सारे डाटा है वो एक साथ ही जो है पेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा ट्रिक। तो भाई यदि आपको कोई भी ऐसे डाटा दिया जाए और उसे जो है आपको बोलेगा कि चार्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको मतलब बताने वाला हूँ कि मतलब एक प्रेस से एक शॉर्टकट से ही आप किसी भी कितना भी बड़े डाटा हो उसका चार्ट तुरंत ही एक बस एक बटन क्लिक करने से कैसे आ जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड के अंदर F11 की प्रेस करना है। जैसे आप F11 की प्रेस करेंगे तो आप कुछ आपको अब खुद इधर ऑटोमेटिकली जो है चार्ट बनकर आ जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं इधर जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, वो सारे को सारे जो चार्ट है हमें मतलब दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यदि आप रोमन नंबर को एज ए सीरियल नंबर प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं इधर एक स्टेप फॉलो करना पड़ा, फार्मूला यूज़ करना पड़ा। उसके लिए हम सबसे पहले RON रोमन लिख कर एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद राव लिखेंगे, उसके बाद फिर से ब्रैकेट देंगे और रिफरेंस के लिए जो है हम ये सेलेक्ट सेल जो है मतलब इधर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इसे डबल ब्रैकेट करके इंटर करेंगे। उसके बाद जो ये आप देखेंगे जो है इधर एक नंबर 1 आ चुका है तो इसे हम इस से
ऐसे ड्रैग कर देंगे तो इधर जो है आप देख रहे हैं कि रोम हमारा आ चुका है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं।